सूर्य की पहली किरण से करेड़ा पाश्वरनाथ जन्म कल्याणा का हुआ आगाज। हजारों की संख्या में पहुंचे जैन धर्मावलंबी ने निकाला भव्य वरघोड़ा। क्षेत्र का सबसे बड़ा जैन तीर्थ श्री करेड़ा पाश्वरनाथ जैन तीर्थ पर आज सूर्योदय की पहली किरण सीधी पाश्वरनाथ भगवान पर गिरी और पाश्वरनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव के तहत परम पूज्य सरल उपाध्याय दिव्य चंद्र विजय जी, परम पूज्य पुनीत यश विजय जी मसा, महाराजा नौकार यश विजय जी मसा आदि के साथ इस बार के पोषी दशम त्रिदिवसीय कार्यक्रम की शुभ निश्रा परम पूज्य साध्वी सौम्या रत्ना श्री जी, पुनीत रसा श्री जी आदि थाना चार के सानिध्य में सुबह भक्तावर वाचर फिर पाश्वरनाथ भगवान का अष्ट प्रकार की औषधियों के द्रव्यों से अभिषेक किया गया। भक्तिकार हेनी भाई और नागेश्वर भाई द्वारा भव्य भक्ति के माध्यम से अभिषेक के साथ अष्ट प्रकार की पूजा का चढ़ावा फिर पाश्वरनाथ भगवान का भव्य वरघोड़ा, जिसमें बैंड बाजे के साथ दो अश्व पर अश्वधारक विराजमान रहे। उसके बाद पालकी में और रथ में भगवान को बिठाकर वरघोड़ा जैन मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड से होते हुए मुख्य बाजार से आजाद चौक होकर पुनः मुख्य बाजार से तालाब पर जाकर भगवान की आरती हुई। तत्पश्चात परम पूज्य महारसा की शुभ निश्रा में धर्मसभा हुई, जिसमें भगवान के जन्म कल्याणक पर प्रवचन दिया गया। पौष दशमी का मेला आज भगवान का जन्म कल्याणक है। पार्षद भगवान के जन्म कल्याणक के दिन भगवान का जन्म हुआ उसी मौके पे ये सारा मेला लगता है। क्यों अपने घर में भी जन्म की खुशी मनाते हैं, वैसे ही भगवान के जन्म की इस दिन अपन खुशी का मेला, उस कारण मेला लगता है ये। बाहर से कहाँ से लोग इसमें आसपास के 50 गांव के लोग तो आते ही हैं हर साल, क्योंकि हम जब भी कहीं किसी को मिलने जाते हैं आस पड़ोस कि साहब पौष दशमी पे तो हम आते हैं हमेशा, उसका प्रोग्राम का सब जने याद रखते हैं, उस तारीख को कोई भूलता नहीं है। इसमें मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर 2300 साल पुराना है पहली बात। दूसरी बात, पौष दशमी के दिन सूर्य की पहली किरण भगवान के मुख पे पड़ती है और बहुत प्राचीन तीर्थ है पार्षद भगवान के। 108 पार्षद में एक शुमार है, ये राजस्थान में कुछ ही हैं उसमें से एक है, और उदयपुर जिले मतलब चित्तौड़ जिले में तो अकेला है, और उदयपुर के आसपास क्षेत्र में 3 में 1 ये है।